कार्तिक मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि पालन कराए अँला नवमी। अँला नवमी को अक्षय नवमी कहुए। यह दिन अँला गछर पूजा कराए। यह दिन अँला गछ तले पूजा करिबा एवं भोजन करिबा द्वारा अनेक रोग दूर होइथाय बोली विश्वास रहिछि। कुहा जाय जे एही दिन रे तप जप दान इत्यादि करिबा द्वारा व्यक्ति को समस्त पापरु मुक्ति मिलिबा सह समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय। एथिसह महिला माने संतान प्राप्ति एवं संतानक मंगल कामना करी अँला गछर पूजा करिथांती। धार्मिक मान्यता अनुसार अक्षय नवमी रे अँला गछरे भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर बास करिथांती। शास्त्र अनुसार अक्षय नवमी दिन रे करा जाइथिबा पुण्य केबे भी समाप्त होइनथाए। पुराण अनुसार एकदा लक्ष्मी एवं माता पार्वती भगवान को उपासना लगी एक नूतन द्रव्यर संधान करु करु उभयंक चक्षुरु लोतक बही पड़ा। किंतु उभयंक आखिरु बही जाइथिबा सही लुह खुशीर लुह थिला, जहाँ फलरे सही लुहरु अँला वृक्ष जन्म नहीं। परे वृक्ष रूपे जन्म नहीं अँला वृक्ष सबु देवतांक प्रिय होइथिला। सही दिनटी थिला कार्तिक मासर शुक्ल नवमी, एणु एही दिवसटी अँला नवमी भावरे परिचित। सेहिभळी पद्म पुराणर वर्णना अनुसार जलंधरंक बध परे शिव ध्यानस्थ होइथिले, फळरे आदिशक्तिंक आविर्भाव घटिला ओ तांक रजगुणा सरस्वतींक अंशरु अँला वृक्षर उत्पत्ति घटिथिला। अन्य एक कथा अनुसार लक्ष्मी और पार्वती एकदा एक भोजी उत्सव में भोजन बढ़ा जावा बेले पार्वती बेलपत्र और लक्ष्मी तुलसी पत्र नहीं नथिले। एणु नारदों परामर्श अनुसार बेल और तुलसी उभयंक गुण थिबा अँला फल द्वारा भोजन कार्य समापन कर श्री विष्णु को संतुष्ट करिथिले। कुहा जाए जे समुद्र मंथनरु बाहरिथिबा 14 मुख्य वस्तु लक्ष्मी धन्वंतरी अमृत उचै सर्वा अश्व ऐरावत हस्ती पारिजात पुष्प कौस्तव मणि सुदर्शन चक्र विष प्रभृति उत्पत्ति परे शेषकु जेऊ सबु पदार्थ मान रहिथिला ताहा क्रमे अँला वृक्ष होई जन्म नैथिला। एही महान वृक्षमूळरे नवमी व्रत करिबा अत्यंत महत्वपूर्ण बोली उल्लेख रहिछि। एसबु व्यतीत अँला नवमी रे अँला गछ तले भगवान विष्णुंकर प्रतिमा को स्नान कराए। ओडिया परंपरा रे एही स्नान कार्य अँला नवमी रु कार्तिक मास शेष पर्यंत चले। हविष्याणी माने एही दिन अँला गछ मूळरे हविष्यान्न रांधती और वृक्ष चारिपटे प्रदक्षिण करिथांती। एथिसह ब्राह्मणंकु भोजन एवं दक्षिणा प्रदान करी प्रसाद सेवन करिथांती। ब्यूरो रिपोर्ट, NS News।